Hello friends, welcome to Kalsi Estate. My name is Kalsi. I'm a father of a wonderful son, husband of a caring woman. I'm into industry from last 25 years and I take my job as serving rather than selling. And I love giving plenty of free advice in real estate. So, aaj ka topic hai dosto, Wagha Wow at Panvel. The project name is Vice City. Let's begin with the show. So friends, before we go ahead, this is project by Wagha and the project name is Vice City. And the new project phase 2 which they have launched is the project name is Wow. The code name is Wow. वैसे तो building जो है सारे buildings आप देख रहे हैं, ये building का नाम और complex का नाम जो है ये tulip नाम है इसका। पहले इन्होंने जो launch किया था उसका नाम था Mega Living जो phase 1 था, जिसका Vice City में phase 1 नाम था Mega Living। अब इन्होंने launch किया है ये फेज टू जिसका नाम है टूलिप एंड द कोड नेम इज वाव। जगह जगह आप एडवर्टाइज देख रहे होंगे पेपर में, यहाँ पर इंटर ऑनलाइन में जगह काफी जगह आप एड देख रहे होंगे जहाँ पर वाव लिखा होगा। तो कोड नेम इज बेसिकली वाव और जो इस कॉम्प्लेक्स का नाम है वो टूलिप है और ये वाइस सिटी सारे प्रोजेक्ट का नाम है। तो वाइस सिटी अपने आप में काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, मोर देन 200 एकर का प्लॉट है, उससे भी शायद बड़ा भी हो सकता है। और ये एक सेकेंड फेज है जिसमें करीबन ये प्लॉट होगा मेरे ख्याल से 15 एकड़ या 20 एकड़ का प्लॉट होगा, उससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा प्लॉट। देखने जाए तो 20 एकड़ ही लगता है, उससे ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा है। पर अब इसमें ये जो वाव जो कोड नेम दिया है ये एक्चुअल बिल्डिंग का नाम इसमें जो है ये टूलिप नाम है इस बिल्डिंग का। सारे बिल्डिंग का नाम टूलिप है और ये प्लॉट का लेआउट है, ये जितने भी आप देख रहे हैं प्लॉट का लेआउट है। और इसमें आप देखोगे तो फ्रेंड्स ये जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं इसमें अभी जो लॉन्च चल रहा है वो C3 और F2 का लॉन्च चल रहा है और जो इनके यूनिट जो सोल्ड आउट है, जो बिल्डिंग जो सोल्ड आउट है वो है D1 D2 D3 D4 और उसके बाद A1 A3 C1 C2 और F3 और F4। बाकी जितने भी बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं सराउंडिंग में, यहाँ तक एक कॉर्नर वाला ये बिल्डिंग्स जो है ये दो बिल्डिंग्स है, यहाँ पर तीन बिल्डिंग हो गई, फिर यहाँ पर A1 A3 A2 एक बाकी है, जो सब बीच बीच में कुछ बिल्डिंग्स बाकी है और कुछ बिल्डिंग्स इन्होंने बेचा हुआ है। पर अब जो बिल्डिंग का जो सेल चल रहा है वो C3 और F2 का सेल चल रहा है। अब ये जो बिल्डिंग है ये करीबन 25 माले की बिल्डिंग है, ग्राउंड प्लस 25 हैबिचुअल फ्लोर है, जिसमें 1 लेवल का पोडियम पार्किंग दिया हुआ है इसमें और मल्टी लेवल कार पार्किंग के लिए अलग से एक बिल्डिंग दिया हुआ है। जैसा ये स्लैब आप देख रहे हैं, ये पूरा जो स्लैब है ये पूरा स्लैब इन्होंने शायद मल्टी लेवल कार पार्किंग के लिए रखा होगा, क्योंकि ये देखने से ही पता चलता है कि ये स्लैब है, क्योंकि इसका शेड भी अलग है और जो एमिनिटीज जो आएंगे वो कुछ एमिनिटीज यहाँ पर आएंगे और कुछ एमिनिटीज जो है ये ग्राउंड फ्लोर पर ही रहेंगे। ये सारा आप देख रहे हो सराउंडिंग एरियाज में, आप देख रहे हो ये सारा एमिनिटीज के लिए जगह रखी हुई है। सो फ्रेंड्स आगे देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा ग्लिम्सेस देख लेते हैं इमेजेस का। और ये बिल्डिंग का इमेजेस है, बेसिकली ये प्रोजेक्ट जो है वाइस सिटी जो है ये पनवेल में है और ये प्रोजेक्ट का इमेजेस है जहाँ पर आप देखोगे सारे टावर्स जो है वो काफी अलग अलग टावर्स दिए हुए, कोई भी टावर एक दूसरे को लगकर नहीं है। और इस प्लॉट की सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्लॉट में सिर्फ 35% जो है वो डेवलपमेंट के लिए यूज किया गया है, जो FSI जो है वो स्पेस में यूज किया गया है और जो ओपन स्पेस जो है करीबन 65% ओपन स्पेस इस कॉम्प्लेक्स में दिया गया है। अब यहाँ पर आप देखोगे ये बिल्डिंग का एलिवेशन है, बहुत ही बेहतरीन बिल्डिंग का एलिवेशन है, कलर और कॉम्बिनेशन आप देखोगे वेरी वेल डिजाइन एंड वेरी एलिगेंट लुक ऑफ द बिल्डिंग। यू सी फर्दर ओवर हियर, जैसे आप देखोगे यहाँ पर भी आप देखोगे प्लेंटी ऑफ एम्पल स्पेस इज देयर, लॉट्स ऑफ ग्रीनरी इज देयर एंड देयर इज अ वेरी लार्ज रोड टू गो इनसाइड द कॉम्प्लेक्स एंड यू सी दिस कॉम्प्लेक्स ओवर हियर, वाइट एंड ब्राउन कॉम्बिनेशन ऑफ द बिल्डिंग, सो बिल्डिंग लुक्स वेरी गुड एंड हियर ऑल्सो यू सी द कॉम्बिनेशन ऑफ द बिल्डिंग। कहीं कहीं जगह उन्होंने क्लस्टर ऐसा बनाया है कि जब सपोज सी विंग है तो C1, 2, 3 उसके बाद फिर थोड़ा गैप देखा D1, 2, 3 उसके बाद कहीं कहीं जगह ऐसे बनाया है कि C A1 को सेपरेट रखा है, B A2 को सेपरेट रखा है, कहीं कहीं ऐसा भी रखा हुआ है। बट दिस इज हाउ द बिल्डिंग लुक्स।
और सराउंडिंग एरिया में आप देखोगे तो यहाँ पर काफी खुली जगह है, काफी खुला खुला एटमोसफेयर है यहाँ पर। और वाइस सिटी अपने आप में बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इट्स अ वेरी लार्ज कॉम्प्लेक्स। समझ लो जैसे पल्लावा जैसा बन रहा था वैसे वाइस सिटी एक बन रहा है, और वाइस सिटी अपने आप में एक बहुत ही लार्ज सिटी है। और इस एरिया में आप बेसिकली आप पनवेल में आप देखोगे सराउंडिंग एरिया में कोई पोल्यूशन नहीं है, इट्स अ वेरी क्लीन एरिया और नॉइज फ्री जोन। और यू बाय फ्लैट इन एनी ऑफ द फ्लोर, अगर आप फिफ्थ सिक्स सेवन फ्लोर पर भी लेते हो तो यू गेट अ हिल व्यू, अगर आप हायर फ्लोर पे लेते हो तो पूरा आपको माउंटेन व्यू पीछे का दिखाई देगा। तो द व्यू ऑल्सो फ्रॉम दिस कॉम्प्लेक्स इज वेरी गुड। अगेन दिस इज द इमेज ऑफ द फ्लैट, सो यू सी द फ्लैट्स ऑल वेल डिजाइन एंड वाइट कलर स्पेशली इट गिव्स अ वेरी एलिगेंट एंड ब्यूटिफुल लुक ऑफ द फ्लैट। तो दिस इज द इमेज ऑफ द कॉम्प्लेक्स। यू सी कॉम्प्लेक्स के अंदर आप देखोगे काफी ग्रीनरी वगैरह दिया हुआ है, और यहाँ पर ये जो है मल्टीपर्पज कोर्ट है, ये वॉलीबॉल के लिए यूज कर सकते हैं, बैडमिंटन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो दिस इज मल्टीपर्पज कोर्ट, और दिस लुक्स लाइक एन एम्पी थिएटर ऑल्सो ओवर ईयर विद थ्री स्टेयरकेस आर गिवन ओवर ईयर बिकॉज देयर इज अ स्टेज ओवर ईयर, यू सी ओवर ईयर देयर इज अ स्टेज ओवर ईयर एंड देयर इज अ स्टेयरकेस ओवर ईयर। और फिर जो लैंडस्केप डिजाइन है जो इस कॉम्प्लेक्स का आप देखोगे, इसमें जो एक्चुअल माउंटेन्स जो है उसको वैसे ही रखा गया, उसको ना कि उसको फ्लैट किया गया, वो सारा कुछ नेचुरल जो है उसको वैसे ही रखा गया। यहाँ पर जैसे हिल्स में चढ़ते हैं फिर नीचे आते हैं, और ये ट्रैक जो है जॉगिंग या वॉकिंग ट्रैक है, तो इसको नेचुरल जो ब्यूटी है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, जो हिल साइड की ब्यूटी है, जो लैंडस्केप जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बिल्कुल वैसे ही रखा गया इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। अगेन दिस इज रेफ्लेक्सोलॉजी पाथ, एंड हियर यू सी देयर इज अ किड्स प्ले एरिया ओवर हियर, अगेन अ प्लेंटी ऑफ ट्री एंड प्लांटेशन इज देयर। फिर यहाँ पर आप देखोगे जो स्लोप ऊपर की तरफ जाता है, तो ये क्या जो कॉम्प्लेक्स जो है वो हिल के ऊपर है, और हिल के ऊपर होने से यहाँ पर जो नेचुरल जो हिल्स का जो भी पोर्शन है उसको वैसे ही रखा गया यहाँ पर। देन देयर इज सम सिटिंग जॉइंट ओवर हियर, सिटिंग प्लेस ओवर हियर वेयर सीनियर्स कैन सिट, and there's a walking track and lots of greenery the developer has provided, and see the elevation of the building and the glass slide and the elevation of the building, it's look very decent, good and very good looking complex. Again this is the track, jogging track you can say, and you can walk over here, you can go for a trail, you can jog over here. So you are staying, you are very close to your residential, at the same time you are close to the nature also. Again, this is the image of the kids' play area, and there's a sitting arrangement for senior citizenship, and lots of trees, especially jo natural trees hai, usko to waise hi rakha hua hai complex ke andar. So, bahut hi bada swimming pool inhone diya hai, aur kids swimming pool bhi diya hua hai yahan par, aur yahan par jo chairs wagara baithne ke liye chairs diya, jo swimming pool ke side mein jo chairs hote hai. और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर वुडन फ्लोरिंग दिया हुआ है, ताकि कोई अगर स्विमिंग पूल से बाहर आते हैं तो पैर वगैरह फिसले नहीं, इसके लिए यहाँ पर वुडन फ्लोरिंग दिया हुआ है। और क्लब हाउस भी इन्होंने जो दिया हुआ है पूरा ग्लास एलिवेटेड क्लब हाउस दिया है, एंड दिस इज अगेन द इमेज ऑफ द क्लब विच दे एंटर फ्रॉम हियर, एंड दिस इज द कॉम्प्लेक्स इंटरनल रोड, दिस इज कॉम्प्लेक्स इंटरनल रोड, सो वेरी प्रोफेशनल एंड गुड साइज क्लब हाउस हैज बीन गिवन इन दिस कॉम्प्लेक्स। Then there is a basketball court, and there is a meditation lawn. This can also be used for laughing club, for senior citizenship. But now they are showing as this lawn can be used for meditation also. So friend, basically Vice City, the project name WOW is the court name, and the building name is Tulip. So basically they have 1 and 2 BHK homes. And furnished by IKEA. So IKEA के बाद यहाँ पर स्टार है, तो इसका मतलब ये हो गया कि there is option, अगर आपको furnished flat चाहिए तो भी मिल जाएगा, अगर आपको empty flat चाहिए तो भी मिल जाएगा। So friend, this is the location of the plot, and when you see over here, this is Panvel over here. This whole area is Panvel basically, and this project is located here. So this is old. Mumbai Pune Express Highway which goes to Lonawala, and this is the new Express Highway. So वो new Express Highway ऊपर आने से पहले ही left hand side पर ये complex है, और ये सारे area जो है Panvel है, और यहाँ से हम लोग आगे आते हैं New Bombay से, यहाँ से आगे आते हैं और Panvel से आकर ये आगे जाकर ये Lonawala जाते हैं यहाँ पर।
तो पनवेल की एक सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर आगे जो ये ब्रिज बन रहा है जो कि ये सिवरी से अलीबाग नौसेना तक कनेक्ट होगा, और जो न्यू एयरपोर्ट जो प्रपोज एयरपोर्ट है वो यहाँ पर आने वाला है। एक इन्होंने ट्रेन रूट भी बताया जो सीपीडी बेलापुर होकर या आगे तक यहाँ तक आगे तक जाती है ये ट्रेन, और फिर मेट्रो लाइन भी है यहाँ पर डेवलप, आगे एक मेट्रो लाइन भी डेवलप हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये एयरपोर्ट यहाँ पर आ रहा है, और ये मुंबई से जो डायरेक्ट जो ब्रिज कनेक्ट होने वाला है जो कि सी लिंक से ब्रिज होगा, और ये जब ब्रिज कनेक्ट होगा तो इस एरिया को, इस सारे एरिया को जो है वो बेनिफिट सबसे ज्यादा मिलेगा। और जब भी कोई सी ब्रिज जब कनेक्ट होता है, जब दो लैंड से, एक तो ये साउथ मुंबई है और ये अलीबाग और पनवेल एरिया है, तो जो रेट यहाँ का चल रहा है, समझ लो साउथ मुंबई का जो भी रेट चल रहा है, तो एटलीस्ट उसका 50 गुना रेट भी यहाँ पर अगर बढ़ जाता है तो भी अपने आप में वो बहुत एप्रिसिएशन देके जाता है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये सभी लोगों के लिए है, जो लोग फर्स्ट होम के लिए जाना शिफ्ट होना चाहते हैं, जो लोग घर से काम करते हैं फर्स्ट होम के लिए एज ए फर्स्ट होम शिफ्ट होना चाहते हैं, जो एज ए सेकेंड होम रखना चाहते हैं उनके लिए भी ये बेस्ट प्रोजेक्ट है, और एज ए इन्वेस्टर जो ये प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं उनके लिए भी ये बेस्ट प्रोजेक्ट है। तो ये जो है ये लोकेशन के बारे में है सारा कुछ। और अपकमिंग विरार अलीबाग कॉरिडोर जो बन रहा है, ये मैंने पहले भी बताया था, ये कॉरिडोर जो है विरार से लेके अलीबाग तक एक बहुत बड़ा हाईवे है, जो कि डायरेक्ट विरार से ये अलीबाग जाना उसके लिए मतलब 1.5 घंटे में आप अलीबाग पहुंच जाओगे बाय रोड। तो वहां से ये जो रास्ता है डोंबिवली और करजत और पनवेल वगैरह क्रॉस करते हुए ये अलीबाग तक जाएगा, तो पनवेल एरिया को भी इस कॉरिडोर से काफी बेनिफिट मिलेगा। सो सीएसटी फास्ट ट्रैक, एक जो फास्ट ट्रैक ट्रेन जो चलेगी, जो कि एसी ट्रेन रहेगी और वो फास्ट ट्रेन रहेगी, और वो चलेगी सीएसटी रोड से पनवेल तक चलेगी टू एंड फ्रो, तो वो ट्रेन चलने से भी अगेन पनवेल विल गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस, और दिस प्रोजेक्ट विल आल्सो गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस। तो ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से अगर देखेंगे तो मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे इज द माहो पे रेलवे स्टेशन इज द पनवेल रेलवे स्टेशन इज द देन ट्रॉम्ब्रे वाड़ी बस स्टॉप इज देयर, साइन पनवेल हाईवे इज देयर, एंड हॉस्पिटल्स वाइज अगर देखेंगे तो 5 मिनट्स या 15 मिनट्स के डिस्टेंस पर है जो कि MGM हॉस्पिटल है, छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल है, लाइफलाइन हॉस्पिटल है और पेनेसिया हॉस्पिटल है। उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अगर आप देखते हैं 5 to 15 मिनट्स में, जो कि फादर एग्नल स्कूल विद द टाउन विद इन द टाउनशिप देयर इज अ फादर एग्नल स्कूल इज देयर, देन सेंट विल्फ्रेड स्कूल एंड कॉलेज, देन दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड JH अंबानी स्कूल, DAV पब्लिक स्कूल, छत्रपति शिवाजी महाराज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड MIT यूनिवर्सिटी। सो दीज आर द क्लोज बाय एजुकेशन सेंटर्स विच आर क्लोज बाय टू दिस एरिया। एंड मॉल्स की अगर आप बात करते हैं तो ओरायन मॉल्स है, सीवुड्स ग्रैंड सेंट्रल मॉल्स है, गोल्फ कोर्स, एडलैब्स, इमेजिका एंड डेला एडवेंचर पार्क, सो दीज आर क्लोज बाय टू द वेसिनिटी। तो उसके पहले दोस्तों हम लोग यूनिट प्लान देख लेते हैं, और ये यूनिट प्लान जो है यहाँ पर आप देखोगे 366 कारपेट इन्होंने दिया है 1 BHK के लिए, और 1 BHK में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये एंट्रेंस है, डाइनिंग स्पेस है, लिविंग स्पेस, वन वॉशरूम इज गिवन ओवर हियर एंड दिस इज वन बेडरूम ओवर हियर एंड दिस इज अगेन वन वॉशरूम ओवर हियर एंड देयर इज अ किचन हियर। सो दिस फ्लैट इज विद बालकनी, देयर इज अ स्मॉल बालकनी आल्सो ओवर हियर एंड द सेलेबल एरिया इज 366 प्लस बालकनी ऑफ 20 स्क्वायर फीट, तो 366 प्लस 20 इज 386 इज द सेलेबल एरिया फॉर दिस फ्लैट फॉर 1 BHK। So there is again 2 BHK with balcony. So 2 BHK में अगर आप देखोगे 518 plus 20 square feet. So 538 will be the sellable area for this 2 BHK with the planning is very good. When you come inside, there's dining space and this is living, this is kitchen, one common washroom and 2 bedroom on the other side. So this flat has very good cross ventilation and this is the sellable area 538 is the sellable area for this complex, for this flat
2 BHK विद बैल्कनी, एंड 2 BHK विदाउट बैल्कनी अगर आप देखते हो तो 482 इज द सेलेबल एरिया। इसका प्राइस मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो यहाँ पर भी अंदर जब आते हैं तो डाइनिंग स्पेस है, लिविंग रूम है, यहाँ पर किचन है, यहाँ पे एक वॉशरूम है और दूसरा इस बेडरूम के साथ अटैच्ड है और एक बेडरूम यहाँ पर है। तो इसमें सिर्फ बैल्कनी का ही फर्क है, पर अदरवाइज भी अगर आप देखोगे तो काफी स्क्वायर फ्लैट है। क्रॉस वेंटिलेशन इस फ्लैट के लिए बहुत अच्छा है, इस प्लान के लिए भी बहुत अच्छा और इस फ्लैट में बहुत अच्छा है। ओके, सो लेट्स सी द प्राइस नाउ। तो प्राइस की अगर बात करते हैं तो दोस्तों प्राइस में ऐसा है, 1 BHK विद बैल्कनी फॉर 387 कारपेट एरिया। सो दे हैव अ स्लैब वाइज, दे हैव फ्रॉम 1st to 8th फ्लोर दैट इज 45 lakhs, एंड फ्रॉम 9th to 16th फ्लोर इट इज 46 lakhs, एंड देन अबव इज 47 lakhs, एंड फॉर 2 BHK 482 कारपेट इज 58 lakhs, एंड फॉर 2 BHK विद बैल्कनी 538 कारपेट एरिया इज 69 lakhs। दीज आर लोअर फ्लोर्स, दीज आर मिडिल फ्लोर्स एंड दीज आर हायर फ्लोर्स प्राइजेस। और ये इनका पेमेंट शेड्यूल है, पर इसमें ऐसा है यू पे 20% नाउ, एंड 28 की स्कीम है इनका, जहाँ पे 20% यू हैव टू पे नाउ एंड 80% यू हैव टू पे ऑन पोजिशन। So till 3 years you don't have to pay any EMI. You have to directly start your EMI will start directly at the time of possession, and the possession for this building is up within 3 years. 3 years from now onward. So abhi se aap 3 saal aap pakad ke chaliye. 2022, 2023, 2024 December mein iska possession hoga. Isme 20% abhi aapko bharna hai aur 80%. बाय बैंक लोन होगा, जो जिसका आपको कोई EMI नहीं भरना है। उसका EMI जो आएगा जब आपका पोजीशन होगा तभी आपको उसका EMI भरना है। तो ये 80-20 पेमेंट प्लान है डेवलपर की तरफ से। और दूसरा स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन 20% में ऑफकोर्स आपको ही भरना है। और दूसरा आप इसमें प्रधानमंत्री योजना जो है 2.67 lakhs का बेनिफिट ले सकते हो, जो कि ये अगर आपका फर्स्ट होम है, अगर आपका फर्स्ट होम है यहाँ पर, तो आप 2,67,000 का आप उसमें डिस्काउंट भी ले सकते हो। और आपको स्टैम्प ड्यूटी भी 5% की जगह सिर्फ 3.5% स्टैम्प ड्यूटी आएगा। तो ये फैसिलिटीज़ भी आपके लिए अवेलेबल है। अगर आपका ये फर्स्ट होम है तो आपके नाम से दूसरी कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए अगर आपको इसका बेनिफिट लेना है तो। So friends, that's all for today. For booking, you can call me on my number 7400-138-561. And don't forget to like, subscribe and share to this channel, because sharing is caring. See you again with one more project very soon. Thank you for watching this show. Bye-bye.